हेलो फ्रेंड्स, आज की भी इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस मॉडल के हवाले से कि जहाँ पे आपको किसी भी किस्म की बिजनेस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पास किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। मगर ये ज़रूर है कि आपको कुछ कंप्यूटर पे इस्तेमाल आना चाहिए, नए नए जो AI टूल्स आ रहे हैं उन टूल्स का कैसे इस्तेमाल करना हो तो उनसे काम लेना आप लोगों को आना चाहिए। और एक बात याद रहे कि ऑनलाइन फील्ड्स या फिर ऑनलाइन अर्निंग सिर्फ इतनी आसान है कि आप लोग घर पर रहते हुए काम कर सकते हो, मगर ये ज़रूर है कि आपको 8 से 10 घंटे जो काम है करना ही होता है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, मैं यहाँ पे आप लोगों को चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये मेरा आप लोग 24 घंटे का अकाउंट देख सकते हैं, मुझे $25 यहाँ पे रिसीव हुए हैं। और अगर मैं आपको अपना टोटल अकाउंट दिखाऊं कुछ यहाँ पे करके, तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास में $1590 रिसीव हुए हैं। ये सिर्फ मेरा एक प्लेटफॉर्म है, बाकी 4 से 5 और प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे आप लोग ये अर्निंग किस तरीके से लेने वाले हो, तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा वीडियो में। किसी भी लम्हे आप लोगों ने उठ के नहीं जाना, करे भाई हमें तो एफिलिएट का पता है, हमें तो इस वेबसाइट का भी पता हुआ है, तो हमें तो अब इस चीज़ को जानने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये चीज़ आप लोगों को YouTube पे कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। तो बात को बहुत गौर से सुनिए, समझिए, एंड आई बिलीव कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। आप लोगों के पास सबसे पहला जो टास्क है, आप लोगों ने आ जाना है गूगल डॉक्स पे, और यहाँ पे आकर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने अपने पास में ओपन कर लेना, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ एफिलिएट जो लिंक्स हैं उन्हें यहाँ पे लाकर पेस्ट करना है। एक चीज़ से आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं हुआ है, आपको किसी भी चीज़ को बेचना भाई नहीं है। एफिलिएट का मैं नाम ज़रूर ले रहा हूँ, मगर यहाँ पे आप लोगों के साथ में कुछ नई चीज़ शेयर करने वाला हूँ। नेक्स्ट, आप लोगों ने गूगल वर्कस्पेस पे आ जाना है। यहाँ पे आकर आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है, और इनका जो रेफरल प्रोग्राम है इसे आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है, और उसका रेफरल लिंक भी आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। फिर आप लोगों ने आ जाना है Temu.com पे, यहाँ पे भी आकर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, और आपका जो एफिलिएट लिंक होगा उसे यहाँ से आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास में होगा oneof10.com, ये कैसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूट्यूबर्स को व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, लाइक्स के लिए हेल्प आउट करता है। यहाँ पे भी आकर आप अपना अकाउंट जो है साइन अप करेंगे, और इसका जो रेफरल लिंक होगा उसे आप लोग कॉपी करेंगे। और लास्ट हमारे पास में जो वेबसाइट है ये है ऑडिबल। ऑडिबल जो है बेसिकली ऑडियो बुक्स के लिए है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की जाती है। आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है, और इसका जो रेफरल लिंक होगा उसे भी अपने पास में कॉपी कर लेना है। एक बोनस चीज़ बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको अपना ये अकाउंट दिखाया है, ये है बाइबिट एक्सचेंज का, जहाँ पे मुझे इस वक्त में आपने देखा 24 घंटे में रिसीव हुआ है $25। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद में आपने ज्वाइन आवर एफिलिएट प्रोग्राम पर क्लिक करना है। एक पहला लिंक मिलेगा, वहाँ पर आकर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सेकेंड लिंक मिलेगा एफिलिएट के नेम से, यहाँ पर आकर आपने ज्वाइन आवर एफिलिएट प्रोग्राम पर जो क्लिक करना है, ये जो कोड आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसे आप लोगों ने बाईबिट पे अकाउंट बनाते हुए अपने पास में ऐड कर लेना है। जैसा कि हमारा यहाँ पे रेफरल लिंक कुछ इस जगह पे शो हो रहा है, आप लोग इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, गूगल डॉक पे आएंगे, यहाँ पे आकर आप इसे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीक़ाकार से आप गूगल वर्कस्पेस में आएंगे, यहाँ से भी आपने जो रेफरल लिंक है उसे कॉपी करना है। ऑडिबल का भी जो रेफरल लिंक है उसे भी आप लोगों ने अपने पास एक पेज के ऊपर आकर सेव कर लेना है। अभी हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है, हम आ जाएंगे जेमिनी पे, gemini.google.com/app पे। अब यहाँ पे आकर आपने कमांड देनी है, उसका जो टेक्स्ट है मैं ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे लिख चुका हूँ, और ये जो टेक्स्ट है, ये जो कमांड है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक लिंक की सूरत में मिलेगी, आपने इसे वहाँ से हासिल कर लेना है। जेमिनी पे आ जाएंगे। अब ज़रा इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए कि मैं जेमिनी से लिखवाने वाला क्या हूँ। जैसा कि हमने अपने पास यहाँ पे 4 से 5 जो हैं रेफरल लिंक पेस्ट किए हैं, जिसमें बाईबिट है, वर्कस्पेस है, ऑडिबल है, 1 out of 10 है। हर वेबसाइट का अपना अपना काम है। अब किसी भी एक वेबसाइट के काम के हवाले से जेमिनी पे आकर ब्लॉग लिखवाने वाले हैं। जैसा कि हमने गूगल डॉक्स पे 4 से 5 वेबसाइट के रेफरल लिंक ऐड किए, जिसमें बाईबिट अलग तरीके से काम करता है, वर्कस्पेस अलग तरीके से काम करता है, ऑडिबल का मैंने बताया यहाँ पे ऑडियो बुक्स की ट्रांसक्रिप्शन होती है, 1 out of 10 का मैंने बताया कि यहाँ पे यूट्यूबर्स के लिए काम होता है। तो मैंने क्या किया कि जेमिनी पे आया और इसे आकर बोला कि मुझे बताओ कि बाईबिट एक्सचेंज जो है सबसे बेस्ट एक्सचेंज कैसे है, इनका जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो कैसे वर्क करता है। फिर से मैंने बोला कि आप मुझे 10 different आइडियाज़ दो कि मैं किन टॉपिक्स के ऊपर अपना जो ब्लॉग है वो लिख सकता हूँ। अब देखें ये यहाँ पे क्या करने वाला है। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, इंतज़ार कीजिए, मैं आप लोगों को एक रिज़ल्ट पे लेकर आने वाला हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे ये 10 different आइडियाज़ आ चुके हैं। अब मैं इसे एक और कमांड देने वाला हूँ, उसके लिए हमें एक और टेक्स्ट चाहिए होगा, और ये टेक्स्ट भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से आकर इस टेक्स्ट को कॉपी किया, यहाँ पर आकर इसे मैंने पेस्ट कर दिया,
आप इसे यहाँ पे बताओगे कि आपको कितने वर्ड्स का जो ब्लॉग है वो चाहिए है। यहाँ पे हमने बात की है टाइटल की, अब आप लोगों ने यहाँ से अपनी पसंद का जो टाइटल है वो चूज़ कर लेना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक ये टाइटल पसंद आया है, आप इस टाइटल को यहाँ से कॉपी करते हो, इस एरिया में आकर आप इसे पेस्ट कर देते हो। हमने यहाँ पे कीवर्ड्स की बात की, कीवर्ड्स के लिए आप लोगों को एक वेबसाइट बताऊंगा, वहाँ से आप लोग कीवर्ड ले लेने हैं। अगर आप लोगों के पास में कोई भी कीवर्ड है, लाइक YouTube की आप बात करते हो, क्रिप्टो की बात करते हो, वो आप लोग यहाँ पे ऐड करते हो और अब आप कर देते हो एंटर। अब मैंने सिर्फ मान ये दी है कि हमने आपको जो एक टाइटल दिया है उसके हवाले से हमें यहाँ पे ब्लॉग लिख कर दो, तो हमारे पास ये जो ब्लॉग है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आपको यहाँ पे 3 डॉट्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ तक 3 स्टेप्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब आप लोगों ने इस ब्लॉग को ह्यूमनाइज करना है, मतलब ये जो भाई जो मैंने लिखवाया है वो तो AI का लिखा हुआ है, वहाँ पे हमारे किसी ना किसी तरीके से पकड़ हो सकती है, हमें कुछ नेगेटिव मार्क्स मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग आएंगे एक और वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का नेम है ह्यूमनाइज्ड AI टेक्स्ट। आपने जो टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया है सिंपल यहाँ पे आकर पेस्ट कीजिए, ह्यूमनाइज्ड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये 100% ओरिजिनल बन चुका है, मतलब ये कि आप इसे कह सकते हो कि ये ह्यूमन ने लिखा है ना कि AI ने लिखा है। यहाँ तक हमारे 5 स्टेप्स मुकम्मल होते हैं। आप इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, आपके पास यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट है और आप इसे कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। अभी आप लोगों को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, उससे पहले आप इसका जो टाइटल है उसे यहाँ से बोल्ड कीजिए और अपने टेक्स्ट में आपको एक स्पेसिफिक जगह पर रहते हुए कुछ स्पेसेस देनी होगी। ये स्पेसेस हम क्यों दे रहे हैं इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पे एक और वेबसाइट दे रहा हूँ upliftcontent.com के नेम से। यहाँ पे आपको CTA एग्जांपल्स मिलती हैं, CTA मतलब कॉल टू एक्शन। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, या तो आप लोग यहाँ से किसी भी एक एग्जाम्पल को कॉपी कर सकते हैं या फिर आप खुद से चाहें तो यहाँ पर आकर कुछ भी एक ऐसी लाइन दीजिए कि जिस पे लोग क्लिक करें और इस चीज़ को जानना चाहें कि हम यहाँ से ज़्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक है आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जान सकते हैं। आप लोग इसे यहाँ से हाईलाइट करेंगे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट लिंक का, इस पर क्लिक करते हैं। हमने जो अपने एफिलिएट लिंक्स यहाँ पर कॉपी किए थे अपने फर्स्ट पेज पर, आप उसे यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप वापस आते हैं अपने गूगल डॉक पर और यहाँ पे लाकर उसे पेस्ट करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो लिंक है इंसर्ट हो चुका है और आप इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे अपने टेक्स्ट में डिफरेंट एरियाज़ में जो है आकर पेस्ट कर देते हैं, सो दैट हमारी जो इंगेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हो सके। आपका जो टाइटल है इसका साइज थोड़ा सा आप लोग इंक्रीज़ कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जस्ट ग्राफिक्स की कमी रह चुकी है, उसके लिए मैं आप लोगों को एक और वेबसाइट दे रहा हूँ, यह Leandro.ai के नेम से। आप लोग यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। ये एक फ्री AI टूल है जहाँ पे आकर आप मल्टीपल जो पिक्चर्स वगैरह हैं उसे जनरेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको इमेज जनरेशन का ऑप्शन मिलता है, सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको कमांड बॉक्स मिलता है, इस जगह पे आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरेट पे क्लिक करते हैं, या आप लोगों के लिए 4 पिक्चर्स है एट अ टाइम जनरेट कर देगा। यहाँ भी ये पिक्चर जनरेट हो चुकी है, अगर आपको यहाँ से कोई पसंद नहीं आती है तो आप यहाँ पे दोबारा कमांड देकर फिर से भी जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे यहाँ पे ये पिक्चर पसंद आई है और यहाँ पे आपको ये डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे हमारी पिक्चर जो है यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। पिक्चर को कॉपी करने के बाद आप उसे अपने डॉक्यूमेंट पे लाकर पेस्ट कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे भी आप मुनासिब एरिया समझते हैं वहाँ पे आकर आप उसे पेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से देखें हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है ये बेहतरीन किस्म का रेडी हो चुका है। अभी आपने यहाँ से 2 काम करने हैं, एक आप इसे जो है PDF में सेव कर देंगे, दूसरा आप लोगों ने इसे टेक्स्ट के तौर पर ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर मेन काम स्टार्ट होने लगा है, ज़रा बात को बहुत गौर से समझिएगा। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बता रहा हूँ आंसर दी पब्लिक के नेम से, यहाँ भी आकर आप कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, वो कीवर्ड्स इस वक्त जो कि सर्च किए जा रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ बायबिट एक्सचेंज और हम इसे सर्च कर दें। यहाँ पे इसने हमें कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, जो कीवर्ड आपको लाइट एरिया में नज़र आएगा इसका मतलब है कि ये ज़्यादा सर्च नहीं हो रहा है, और जो कीवर्ड आप लोगों को डार्क एरिया में नज़र आ रहा है इसका मतलब है ये कीवर्ड ज़्यादा सर्च हो रहा है।
आप लोगों ने इन कीवर्ड्स को अपने पास में कॉपी कर लेना है क्योंकि आगे चलकर इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है। ये वेबसाइट अभी स्लाइड शेयर के नेम से, आप लोगों ने यहाँ पे अगर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपलोड पे क्लिक करना है और हमारी जो फाइल गूगल डॉक पे पड़ी हुई है आप इसे यहाँ पे फाइल पे आएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है, स्लाइड शेयर पे आ जाएंगे वापस, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, जो हमारी फाइल डाउनलोड होगी उस पर क्लिक करेंगे, कैप्चर रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे आकर आपको सबसे पहले टाइटल देना है, टाइटल के लिए आप वापस गूगल डॉक पे आ जाएंगे, टाइटल को इधर से कॉपी करेंगे, पेस्ट कीजिए, कैटेगरी में आ जाएं, एजुकेशन कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आ जाएं, अपने डॉक्यूमेंट का कुछ जो एरिया है यहाँ से कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। अब बात आ गई है टैग्स की, जो चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। इधर से आप लोगों ने बेस्ट जो कीवर्ड है उसे यहाँ से कॉपी करना है, जैसे यहाँ पे है व्हाट इज़ बाइबिट एक्सचेंज, इस किस्म के जो यहाँ पे कीवर्ड्स होंगे, टैग्स होंगे, उन्हें आप लोगों ने यहाँ पे आकर टाइप कर देना है या फिर पेस्ट कर देना है और फिर आप लोग यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। हमारा ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसी किस्म की मैं आगे और भी 3 वेबसाइट्स बताने वाला हूँ जहाँ पे ये मैं काम करने वाला हूँ, मगर यहाँ पे आप एक चीज़ को समझ लीजिए, आपकी यहाँ से 2 तरीक़ाकार से अर्निंग होने वाली है। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन होने पे आपकी जो इनकम है अच्छी खासी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड ये है कि जो लोग भी आपका ब्लॉग पढ़ने के बाद में आपका रेफरल लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में सेम ऐसे ही इनकम आने लग जाएगी जैसे कि मेरे अकाउंट में आ रही है, और ये इनकम आपके सिर्फ बाइबिट अकाउंट में नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे आपको जितने भी आपके रेफरल लिंक पेश करवाए थे, आप जब इन तमाम के ऊपर अपने ब्लॉग्स बनाकर शेयर करेंगे तो उन तमाम के ऊपर आपको एफिलिएट इनकम आएगी और आपने कुछ भी सेल नहीं करना होगा। इसी तरीक़ेकार से अगर हम यहाँ से मूव करते हैं तो हमारे पास में एक और वेबसाइट है वोकल के नाम से। यहाँ पे आकर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद क्रिएट स्टोरी का यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इस पर क्लिक करते हैं, आपने जो टाइटल कॉपी किया हुआ है उसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सबटाइटल में कुछ ना कुछ आपको लिखना होगा, आपको यहाँ पे कोई भी एक जो इमेज है उसे अपलोड करना होगा जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आपके पास में उससे सपोर्टेड कोई वीडियो है तो वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट राइटिंग ऑप्शन मिलता है। अब वापस आएंगे अपने डॉक्यूमेंट पे जो कि आप लोगों ने गूगल डॉक के ऊपर सेव किया हुआ है, उसे यहाँ से पेस्ट करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं तो आपका जो मुकम्मल डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आकर अपलोड हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको सेव चेंजेस का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप लोग क्लिक करते हैं, आपकी ये जो फाइल है यहाँ पे भी अपलोड हो चुकी है। इसी तरीक़ाकार से हम आएंगे मीडियम पे, मीडियम पे आकर आप अपना अकाउंट जो है क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको राइट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं, टाइटल कॉपी करेंगे, पेस्ट कीजिए, प्लस का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना होगा, इस पर क्लिक कीजिए। आपके पास में एक इमेज है, 2 इमेज हैं, जितनी भी हैं आप लोग यहाँ पे आकर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है उसे पेस्ट करना होगा, वापस आएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, वापस अपने उसे डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे मीडियम पे, और यहाँ पे लाकर कंट्रोल वी करेंगे तो हमारी जो मुकम्मल फाइल है यहाँ पे आकर शेयर हो चुकी है, आपका जो रेफरल लिंक है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। और सिंपल आप लोग पब्लिश पे क्लिक करते हैं, आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। इस बॉक्स में आप फिर से टाइटल देंगे और पब्लिश नाउ पे क्लिक कर देंगे, आपका जो ब्लॉग था वो मीडियम पे भी इस वक्त में पब्लिश हो चुका है। मगर एक बात याद रहे, मीडियम पे जो मोनेटाइजेशन है वो इतनी जल्दी ऑन नहीं होती है, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि आप लोग यहाँ पे अपनी मोनेटाइजेशन कैसे ऑन कर सकते हैं। आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग इसी किस्म के कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी देखते हैं वहाँ पे आकर अपना जो ब्लॉग है शेयर करने लग जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इंगेजमेंट है वो बढ़ जाती है, फिर आप लोग मूव करते हैं प्रमोशंस की तरफ, जैसे कि हम प्रमोशंस हासिल करते हैं। उसके लिए भी मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है कि कैसे आप लोगों ने प्रमोशन हासिल करनी है, ये टेक्स्ट भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इस किस्म के कुछ और आइडियाज़ भी हैं कि आप लोग घर पे रहते हुए लैपटॉप यूज़ करते हुए मगर 7 से 8 घंटे काम करने के बाद आप एक पैसिंग इनकम कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोग ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं, सो दैट इसी किस्म का जो कंटेंट है हम आप लोगों के लिए शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।